जैसा कर्म करोगे तुम्हें फल वैसा ही मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा। खुद भगवान ने कहा है, तुम फल की चिंता मत करो, कर्म करो। पर कुछ अज्ञानी लोग समझ लेते हैं जब फल मिलना ही नहीं है, जब हमें फल की चिंता करनी ही नहीं है, जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमें फल मिलेगा कौन सा, तो कर्म किस लिए करना। अरे मूर्खों, वहाँ पर जो कर्म फल का मतलब था वो ये था कि तुम फल की चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे कर्म होंगे अच्छे या बुरे उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। वो भगवान हैं, भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलके ही रहेगा। भगवान ने खुद कहा है, अगर तुम धर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो मुझसे मांगना पड़ेगा, मेरे सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। पर अगर तुम कर्म करोगे तो मुझे कर्मों का फल देने के लिए खुद आना पड़ेगा और तुम्हें देना ही पड़ेगा। जबरदस्ती है ये भगवान के साथ, कुछ भी कर लो भगवान को फल देना ही देना है, क्योंकि उनका कर्म ही फल देना है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा देना है। -0.01 भी अगर आपके कर्म हैं तो वो भी लिखे जाते हैं, बिल्कुल उसमें भेदभाव नहीं किया जाता, कोई कोताहुल नहीं, सब कुछ लिखा जा रहा है। 0.0001 भी अगर आपके कर्म गलत हैं या सही हैं वो भी लिखा जा रहा है। आपने अगर एक चींटी की जान बचाई है वो भी लिखा जा रहा है, और अगर आपने किसी इंसेक्ट, किसी जानवर या किसी निर्दोष प्राणी को दुखी किया है तो वो भी लिखा जा रहा है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा था, रास्ते में जा रहा था, उसके सामने एक आदमी जा रहा था, उसने अपना रुमाल निकाला और उसकी जेब से 10 पैसे गिर गए। 10 पैसे गिरने के बाद उस बच्चे ने, 13-14 साल का बच्चा होगा वो पैसे उठा लिए और उसने अपने ऊपर खर्च कर लिए खाने पीने में। जो वो आदमी था वो 2 दिन बाद चल बसा। वो बच्चा जिंदा रहा, बूढ़ा होने के बाद वो भी चल बसा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरे जन्म में वो बच्चा बहुत ज्ञानी था, पूजा पाठ करता था, भगवान का नाम लेता था और बहुत कुछ उसने कमाया था, धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर एक बार उसका 10 लाख का ब्रीफ केस कहीं छूट गया, वो उसे लेने गया, उसको मिला ही नहीं। उसने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की पर नहीं मिला। वो भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए कि मेरे कर्म इस जन्म में गलत नहीं है, बुरे नहीं है, मैंने अपने ईमानदारी से, अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, फिर मुझे नुकसान क्यों हुआ। भगवान का भजन करते करते एक दिन वो भी स्वर्ग सिधार गया। ऊपर जाने के बाद उसने धर्मराज से रिक्वेस्ट की कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद स्वर्ग जाऊँगा, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे कि उसको स्वर्ग जाना था। धर्मराज ने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं भगवान से बोलता हूँ। धर्मराज जी ने भगवान से रिक्वेस्ट की कि भगवान, एक पुरुष है, वो आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है और उसका जो कर्मों का फल है वो ये है कि उसे स्वर्ग में रहना है। भगवान आए, आने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान मैंने अपने इस जन्म में, मुझे अच्छे से याद है, चाहे मैं बचपन में हूँ चाहे बड़ा हूँ, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी मनुष्य का मन नहीं दुखाया, मैंने अपनी नॉलेज में किसी को दुख नहीं दिया, अनजाने में हुआ हो उसे मुझे पता नहीं है,
बट मैंने अपनी नॉलेज में कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर मुझे ऐसे कर्म क्यों भोगने पड़े? जो मेरी मेहनत की कमाई थी, मेरे 10 लाख रुपए थे, वो कोई ले गया, मुझे नुकसान क्यों सहन करना पड़ा? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो जब श्री कृष्ण जी ने बोला कि जब तुम्हारा पिछला जन्म था उसमें तुमने किसी के 10 पैसे उठा लिए थे, वो आदमी सामने जा रहा था पर तुमने एक बार भी उससे ये नहीं बोला कि आपके पैसे गिर गए हैं, आप ये पैसे ले लो। उसके 2 दिन बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और तुम अपना पूरा जीवन जीने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। इस जन्म में जो तुम्हारे 10 लाख उठाए हैं वो उस व्यक्ति ने ही उठाए हैं। तुम वो 10 लाख रुपए ब्रीफ केस में रख के चले गए थे, उस व्यक्ति ने उठा लिया, उसने सबसे पूछा पर किसी के थे नहीं, उसे जवाब नहीं दिया, तो वो 10 लाख रुपए उसको मिल गए और उसने अपने घर रख लिए। तो फिर उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि 10 लाख रुपए किस लिए, 10 पैसे ही तो लिए थे मैंने। भगवान ने कहा ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, 10 लाख रुपए बन गए। तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, जिसका लिया है उसका देना पड़ता है। तुमने जैसा किया है वैसा भोगना पड़ता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मैम एज ए स्टूडेंट मेरा कर्म क्या है, माँ बाप की सेवा करना या फिर पढ़ना। सो एज ए स्टूडेंट जो आपका सबसे पहला कर्म है वो यही है कि आपकी पढ़ाई, क्योंकि आपके माँ बाप ने उस पर बहुत पैसा लगाया है, आप पर बहुत खर्च किया है, तो आपका कर्म यही है। पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बोल देते हैं सब्जी लिया जाके, सब्जी लिया जाके ढोरन ने पानी पिला दे, वो बच्चे क्या करें? देखो अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं और उनसे कुछ काम नहीं होता तो आप अपनी पढ़ाई को और उन कामों को साथ साथ लेके चलिए, पढ़िए, जब ब्रेक लीजिए, जब सब्जी लाके दीजिए, पानी पिलाइए, ये कीजिए, या फिर अगर आपको कुछ और काम है तो आप 1 घंटा आधा घंटा पहले उठिए, उन कामों को ख़त्म करने के बाद अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप के बस की नहीं है, वो काम नहीं कर सकते, तो वो काम करना आपकी जिम्मेदारी है। पर आपके माँ बाप ठीक ठाक हैं, जवान हैं, चल सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हो कि मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जब मुझे ब्रेक मिलेगा जब मैं ये काम करूँगा, या फिर आप कर लीजिए, यहीं है सब्जी वाला ले आजिए, प्यार से, आदर से। फिर भी अगर आपकी मम्मी बोलती हैं तो आप ब्रेक में जाइए और अपना काम करके आइए। सबके कर्म अलग अलग हैं। एक माँ का कर्म क्या है? एक माँ का कर्म ये है कि सबसे पहले वो अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करे, अपने बच्चे का खान पान का ध्यान रखे, उसकी पढ़ाई का ध्यान रखे, हर चीज का ध्यान रखे। एक कहानी सुनाती हूँ। 2 हस्बैंड वाइफ थे, उनका एक लड़का था। वाइफ एक्सपायर होगी उस लड़के को छोड़ के, मतलब 2 साल का वो लड़का था, उस लड़के को छोड़ के उसकी माँ एक्सपायर होगी और उसके बाप ने उसकी मौसी से शादी कर ली। उसकी दूसरी मौसी, जब मौसी आई तो उनको लगा कि कहीं ये बच्चा ये फील ना करे कि मेरी माँ नहीं है। उसने उसको बहुत प्यार किया। 1-1.5 साल बाद उसका खुद का बच्चा भी हो गया, लेकिन वो उस बच्चे के मोह में इतनी पागल थी कि हर बार अपने बच्चे को इग्नोर करती थी। मारता वो वाला बच्चा था जिसकी माँ मर गई थी, पर नाम उसका लगता था। माँ अगर वो मार देता, अगर वो बोलता कि माँ मुझे भैया ने मार दिया है, तो उसकी माँ बोलती कोई बात नहीं, बड़ा है, मार सकता है। छोटा वाला अगर कुछ कर देता, कुछ करता भी नहीं, थोड़ा सा चूचा कर देता, तो उसकी माँ उसके अच्छे से कुटाई कर देती। मतलब उसका जो मोह था वो बड़े वाले लड़के में था जिसकी माँ मर गई थी, और उसने अपने बच्चे को हमेशा इग्नोर किया। उसको रोता छोड़ के अपने बच्चे की केयरिंग में लग गई जब वो 3 साल का 4 साल का था, उसको छोड़ के उसको प्रोत्साहन करने लगी, दूसरे को किया ही नहीं।
इसका नतीजा ये हुआ कि वो पढ़ाई लिखाई में चला ही नहीं और वो डल होता चला गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद बड़े लड़के की शादी होगी, शादी हो के वाइफ आ गई, और जैसे ही शादी हुई एक महीने बाद वो अपनी वाइफ को लेके दूसरे घर में रहने चला गया, माँ को रोता बिलखता छोड़ गया। जो जिस बच्चे की केयर उसने नहीं की थी, वो बच्चा उसकी केयर कर रहा था, बहुत अच्छे से केयर कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको वो लड़का याद आ रहा था क्योंकि उसका मोह उसमें था, उसने उसकी अथाह केयर की थी, अथाह प्यार किया था, अनलिमिटेड। छोटा बच्चा जो था वो समझाता कि माँ चिंता मत कर, मैं नहीं जाऊँगा, अगर तुझे लगता है मैं चला जाऊँगा तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी बिलख बिलख कर। वो भगवान के पास गई, बोली भगवान मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया कि अपनी बहन के लड़के को ज़्यादा ना चाहा हो और अपनी अपने लड़के को ज़्यादा चाहा हो। मैंने तो अपनी बहन के लड़के को ही ज़्यादा चाहा था क्योंकि वो बिन माँ का था, मैंने तो अपने लड़के को ही इग्नोर कर दिया था, फिर मुझे ये फल क्यों मिला, उसका मोह मुझ में क्यों नहीं पड़ा, वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया। ये सुन के भगवान जी रात को उसके सपने में आए और बोले कि तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने एक बिन माँ के बेटे को माँ का प्यार किया, पर क्या तूने अपने बच्चे के साथ न्याय किया, क्या तूने ऐसा किया कि दोनों को एक जैसा रखा हो, दोनों में भेदभाव ना किया हो। जो जब तू उसको प्यार करती थी और उसको इग्नोर करती थी, गलती उसकी होती थी बड़े वाले की और मारती छोटे को थी, तो छोटे को कितना दुख होता होगा, तेरी इग्नोरेंस जो छोटा सहता होगा, तेरी बेरुखी जो सहता होगा, कितना दुख होता होगा उस बच्चे को। माएं अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती, तुमने तो ऐसी माँ निकली जो अपने बच्चे के साथ ही भेदभाव कर दिया। दूसरे के बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए तो एक बार सोच लिया जाता है कि दूसरे का बच्चा है, भेदभाव होगा ही होगा, 9 महीने कोख में नहीं रखा है, लगाव होगा नहीं। पर तूने तो जिसे 9 महीने कोख में रखा, तूने तो उसके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, तो तेरा अपराध ज्यादा है। तूने उसे बेरुखी दी, उसे रोता छोड़ा, उसे बिलखता छोड़ा और दूसरे का साथ दिया, इसलिए तेरा पहला वाला लड़का तुझे रोता छोड़ के बिलखता छोड़ के अपनी वाली को लेके साथ चला गया। जो तूने छोटे के साथ किया वही तेरे बड़े बेटे ने तेरे साथ किया, तुझे तेरे कर्मों का फल मिला है, पर तेरे अच्छे कर्म है क्योंकि तूने एक माँ की तरह उस बेटे को प्यार किया जिसकी माँ नहीं थी, इसलिए तेरा छोटा बेटा अब भी तेरे साथ है और वो तैयार है कि मैं शादी नहीं करूँगा, तेरी सेवा करूँगा, और वो शादी होने के बाद भी तेरे साथ ही रहेगा, तेरी सेवा करेगा। तो कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ते हैं। माँ का कर्म है कि वो अपने बच्चों में भेदभाव ना करे, एक गृहिणी का कर्म है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से करे, सुबह जाकर मंदिर में बैठे पूजा करे पाठ करे और घर में लोग भूखे बैठे हैं, क्या ये इस कर्म का फल मिलेगा? नहीं, भगवान ने तो खुद ने कहा है कि तुम धर्म करोगे मुझसे मांगना पड़ेगा, तुम कर्म करोगे मुझे देना पड़ेगा। तो तुम कर्म करो, तुम्हारा सबसे पहला कर्म ये है कि अपने घर में अपने लोगों का पेट भरो, उनकी आत्मा को शांत करो, उसके बाद जब टाइम बचे जब मंदिर जाओ पूजा करो कीर्तन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें रोता भी लगता छोड़ के, बच्चे भूखे डोल रहे हैं, हस्बैंड को खाना नहीं मिला है, फिर तुम पूजा पाठ में बैठे हो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम एक आत्मा को दुखा रहे हो। आत्मा और परमात्मा का तो तुम्हें पता है एक ही है, मरने के बाद आत्मा परमात्मा में ही मिल जाती है,
तो जब एक आत्मा जो परमात्मा जैसी है उसका मन दुखाओगे तो तुम्हें पूजा का फल क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तुमने अगर किसी को एक थप्पड़ भी मारा है ना, उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। एक पड़ोसी ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया, उस बच्चे ने जाके अपनी माँ से झगड़ा किया, माँ से उसका दर्द सहन नहीं हुआ, तकलीफ सहन नहीं हुई, उसने अपने हस्बैंड से जाके झगड़ा कर लिया। हस्बैंड बहुत दुखी था, बाहर निकला तो उसने एक बेवड़े को पीट दिया। जब एक बेवड़े को पीट दिया वो किस पे फ्रस्ट्रेशन निकाले, उसने एक गधे को पीट दिया, उसको डंडा मारा, गधा भागता भागता गया, वो किस पर फ्रस्ट्रेशन निकाले, वो औरत जिसने उसको बच्चे को थप्पड़ मारा था वो पानी लेने जा रही थी, गधा ने पीछे से उसको लात मारी, वो जाकर दूर पड़ी, उसकी कमर टूट गई। तो औरत कौन थी जिसने उस बच्चे को थप्पड़ मारा? फल किसे मिला जिसने उस बच्चे को थप्पड़ मारा? लौट के कहाँ आया जिसने उस बच्चे को थप्पड़ मारा? औरत से स्टार्ट हुआ, औरत पे ही खत्म हुआ। तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो, तुम अगर किसी पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो, चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, एक ना एक दिन वो इल्जाम तुम पर भी लगेगा, वहां नहीं कहीं और लगेगा, पर लगेगा जरूर, और तुम्हें दुख होगा। उस टाइम अपने मन में झांक कर देखना, पूछना अपने मन से, कहीं तुमने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया था, किसी ने तुमको धक्का दे दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए, तब पूछना अपने मन से, कहीं तुमने तो किसी को धक्का नहीं दिया था, और कहीं वो तो ऐसा नहीं था, असहाय नहीं था कि कुछ ना कर पाया हो। तुम्हें सुनने को मिल रहा है, तुम सुनते हो, तुम्हें कमेंट मिल रहे हैं, तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो पूछना अपने मन से, कहीं तुमने तो किसी को ऐसे कमेंट नहीं दिए थे, कहीं कोई ऐसे कमेंट सुनकर रोता हो, रात रात भर रोया हो, दिन दिन भर रोया हो, फिर तुम क्यों रोते हो? तुम्हें तो वही मिल रहा है जो तुमने दिया है वापिस। इस कर्म का फल, इस जन्म का फल इस जन्म में ही भुगतोगे तो अच्छा है, अगले जन्म में भुगतोगे तो इससे ब्याज लग लग के इतना ज्यादा हो जाएगा कि भुगतना मुश्किल हो जाएगा। किसी चींटी को भी अगर कष्ट पहुंचाया है, जाने अनजाने में, अनजाने में हुआ है, भगवान माफ कर देता है, पता ही नहीं था, अनजाने में हो गया, धोखे में हो गया, पर जान बूझ कर पहुंचाया है, तुम्हें भी कष्ट पहुंचेगा। किसी कीड़े को कष्ट पहुंचा रहे हो, तुम्हें भी कष्ट पहुंचेगा, वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, फिर तुम उसे बाहर फेंक रहे हो, फिर उसे कष्ट पहुंचा रहे हो। तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम्हें किसी ने नुकसान नहीं किया है, तुम बिना बात की निर्दोष प्राणी को अगर सता रहे हो तो तुम्हें फल मिलेगा। सबके कर्म अलग अलग हैं। अगर एक घर का व्यक्ति जो नौकरी जाता हो वो संत बन जाए, पंडित बन जाए, तो क्या घर चलेगा? अरे पूजा पाठ करने के लिए, धर्म करने के लिए पंडित बनाए हैं, उनका काम है, वो करेंगे। तुम अपना कर्म करो ना, जो तुम्हारा कर्म है, तुम विद्यार्थी हो, तुम पढ़ो,
तुम गृहिणी हो, घर को संभालो। तुम माँ हो, अपने बच्चों को संभालो। जो काम पंडित का है वो पंडित को करने दो, क्योंकि धर्म में इतने आडंबर हैं, उनको सिर्फ एक पंडित ही कर सकता है। अगर एक इंसान उन आडंबरों को करने लग जाए और कुछ त्रुटि हो जाए तो उसका फल विपरीत ही होगा, अनुकूल नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, आज कृष्ण जी को मान रहे हैं, आज गुरु को मान रहे हैं, आज भोलेनाथ को मान रहे हैं, फिर कृष्ण जी से काम नहीं बना, गुरु को मान लिया, गुरु जी से काम नहीं बना, भोलेनाथ को मान लिया, भोलेनाथ से काम नहीं बना, देवी को मान लिया। तुम छोड़ते जा रहे हो, क्या ये कर्म है क्या? नहीं, तुम्हें सिर्फ एक को ही पकड़ना है, क्योंकि जब तुमने श्री कृष्ण जी को छोड़ा था, उन्होंने तुम्हें भी उसी टाइम छोड़ दिया था। जो भी तुमने पूजा पाठ की, जो तुम्हें फल मिलने वाला था, वो खत्म हो गया, नहीं मिलेगा। फिर तुमने शिव जी को अपनाया, तुम्हारे कर्म अच्छे होने लगे, तुम्हें फल मिलने ही वाला था, पर तुमने शिव जी को छोड़ दिया। तो शिव जी भी तुम्हें कहां पकड़ने वाले थे, शिव जी ने भी तुम्हें छोड़ दिया। फिर तुम गुरु की शरण में गए, बहुत पूजा पाठ की, गुरु को अपना लिया, गुरु के बिना कुछ नहीं, गुरु गुरु सिर्फ गुरु गुरु, कोई आडंबर नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, सिर्फ गुरु। फिर तुमने गुरु को छोड़ दिया, तो तुम्हें कैसे लगा कि तुमने गुरु ने पकड़ के बैठा हुआ है? गुरु ने सेम टाइम तुम्हें छोड़ दिया, जिस टाइम तुमने त्याग दिया उसी टाइम उन्होंने भी त्याग दिया। जैसे तुमने कर्म किया उसी टाइम भगवान के द्वारा भी वही कर्म हुआ, और भगवान ने तो पहले ही बोला है जैसे कर्म करोगे वैसे भुगतोगे, लौट के आएगा। जब तुमने छोड़ दिया तो उन्होंने भी छोड़ दिया। अरे क्यों पड़ते हो ऐसे चक्रों में, कर्म के चक्रों में पड़ो। कर्म करोगे, भोलेनाथ हो, श्री कृष्ण हो, देवी मैया हो, फल मिलेगा मिलेगा, कोई नहीं पूछने वाला है उस टाइम पे कि तुमने कौन से देवी देवता को माना था। तुम्हारे अच्छे कर्म है, तुम्हें फल मिलेगा मिलेगा, भगवान को देना पड़ेगा, कोई भी आके दे, नो डाउट। तो कर्म सब कुछ कर्म पर निर्भर करता है, तुम्हारा आज, तुम्हारा कल, और जो तुम्हारा आज है वो बीते हुए कल पर निर्भर करता है कि तुम बीते हुए कल में कैसे थे, और जो तुम्हारा कल होगा वो तुम्हारे आज के कर्म पर निर्भर करता है। तुम गलत करोगे तो जो तुमसे अटैच हैं वो भी दुखी होंगे। घर में मेहमान आए हुए थे, केक रखा हुआ था, एक बच्चा आया, आके खा लिया लालच में आके, और जो चार केक थे, चार पेस्ट्री थी, मतलब चार पीस थे, उसमें से दो खा गया और दो उनके आधे आधे कर दिए। माँ को पता चल गया, माँ ने पूछा केक किसने खाया, एक बेटा बोला मैंने नहीं खाया, और जितने खाया था वो हकला गया कि मैंने नहीं खाया। माँ को पता चल गया इतने खाया है, माँ ने डंडा लेके सूट दिया, कमर में बहुत तेज लगी, जैसे ही कमर में लगी मुंह से आवाज निकली, जैसे ही मुंह से आवाज निकली आंखों से पानी आया। तो
देखा किसने? आंख ने। खाया किसने? मुंह ने। गया किसमें? पेट में। सजा किसको मिली? पीठ को। क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड थे ना, अटैच थे। और पेट में भी वो रहने वाला नहीं है, सुबह जाओगे वॉशरूम में क्लीन हो जाएगा, तो लालच किस लिए करनी? जितना है, जो है, जैसा है, हर चीज में ईमानदारी रखो। कोई ताकत नहीं है जो आपको नीचा दिखा दे। आप सच्चे हो, आज लोग बोलेंगे कि आप झूठे हो, कल को आपका सच अपने आप सामने आएगा, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। तो रोना नहीं है, डटना नहीं है, रोना नहीं है, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो। स्टूडेंट बोलते हैं हम एग्जाम देने गए, हमें सब कुछ था, याद था, बट हम जब स्टडी रूम में गए तो हम सब कुछ भूल गए। क्यों? फिर आके बोले कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। किसके कर्म थे? आपके कर्म थे। क्यों? क्योंकि आपको डरना किस लिए? भगवान बोलते हैं अगर तुम सच्चे हो तो कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। अगर तुम अच्छे हो, तुमने मेहनत की है, तो कभी नहीं डरना चाहिए। अगर तुम्हें डर है तो तुमने मेहनत नहीं की। तुम्हारे ही कर्मों का फल मिला है। तुम नहीं डरते, तुम्हारा एग्जाम अच्छा होता, क्लियर हो जाता। तुम डरे हो, इसलिए तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। सच्चे मन से जाओ, बिना डरे जाओ। जो आता है वो लिख के जाओ, जो नहीं आता है उसे छोड़ दो। बुद्धि है तो अपनी बुद्धि से लिख दो। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में उन्होंने बाधाएं उत्पन्न की होंगी, इसलिए उनके सामने बाधाएं आ रही हैं। सो मेहनत करते रहो, डरो मत, रुको मत। ये मत कहो कि मेहनत की थी फल नहीं मिला। अरे जितनी की थी उतना फल मिला। जो पुराने कर्म थे वो भी तो मिटाने पड़ेंगे, उनको भी तो धोना पड़ेगा। तो हो सकता है कि पुराने कर्म धुल रहे हो, खुश होना चाहिए। आगे ब्याज नहीं देनी पड़ेगी, यही कट जाएंगे। सो कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आज मिलेगा, नहीं तो कल मिलेगा, नहीं तो परसों मिलेगा, नहीं तो बरसों मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, क्योंकि वो लिखा जा रहा है और ऐसी स्याही से लिखा जा रहा है वो, जो कभी भी नहीं मिटती। ऐसी कलम से लिखा जा रहा है जो कभी नहीं दिखती, और ऐसे कागज पर लिखा जा रहा है जो कभी नहीं गलता। प्लस 0.01 है वो भी जुड़ रहा है, माइनस 0.01 है वो भी जुड़ रहा है। बिल्कुल भी उनके गणित में कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं भी आंसर गलत नहीं आता, सब कुछ एक्यूरेट है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अपने कमेंट डालते दी रहिए, क्योंकि जब आप अपने कमेंट डालते हो तो मुझे एक टॉपिक मिलता है कि मैं मुझे उस पर वीडियो बनानी है। सो दैट मैं आपके लिए आगे और वीडियो लेके हूँ। थैंक यू सो मच।